भारत की तीनों सेनाएं अपने आप को लगातार मॉडर्नाइज कर रही हैं और अपनी इन्वेंट्री में एक से बढ़कर एक घातक हथियार ऐड कर रही हैं। इसी कड़ी में अब एक और घातक हथियार जुड़ा है जिसका नाम है एटैक्स। आइए पहले जानते हैं एटैक्स है क्या, इसके बाद जानेंगे इससे जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। एटैक्स का फुल फॉर्म है एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये एक अत्याधुनिक 155 mm होविट्जर तोप है जिसे DRDO ने स्वदेशी रूप से डेवलप किया है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक की है। अभी भारतीय सेना विभिन्न ऊंचाई वाले इलाके और दुर्गम इलाकों में इसकी टेस्टिंग कर रही है। टेस्टिंग के दौरान सेना की ओर से मिल रहे सुझावों के अनुसार इस तोप को लगातार अपग्रेड भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सेना इसकी परफॉर्मेंस को लेकर काफी ज्यादा संतुष्ट है। एटैक्स के मास लेवल प्रोडक्शन के लिए DRDO ने दो भारतीय कंपनियों के साथ टाई अप किया है और इसे बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी कर दिया है। ये दोनों कंपनीज हैं टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ सीमा पर तैनाती के लिए 307 एटैक्स खरीदना चाहती है, जिसका प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा गया है। इसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा की होने वाली है। अभी इस पर चर्चा की जा रही है और चर्चा के बाद अप्रूवल के लिए इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जल्द ही भेज दिया जाएगा। एटैक्स के भारतीय सेना में शामिल हो जाने के बाद सेना की ताकत निश्चित रूप से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे अपना स्वदेशी एटैक्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।